दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। आप सभी को भलीभांति परिचित है कि कालसर्प योग के बारे में आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ। जो 12 प्रकार का कालसर्प योग है उसमें से चौथा कालसर्प योग जिसका नाम संखपाल नाम का कालसर्प योग है, इस कालसर्प योग में पैदा हुआ बच्चा चौथे भाव में राहु और दसवें भाव में केतु होता है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो संखपाल नाम का कालसर्प योग होता है। इस योग में जो बच्चा पैदा होता है उसको माता का सुख कम मिलता है, या तो वो माँ से दूर चला जाता है या किसी भी तरह से माँ का सुख उसको कम मिलता है और पिता से भी उसके विचार कम मिलते हैं। इस योग में पैदा हुआ बच्चे के साथ जैसे मानहानि, धनहानि, पारिवारिक सुख कम, व्यापारिक सुख भी कम होता है। इसलिए इस सभी कष्टों के निवारण के लिए आपने भगवान शिव की पूजा करनी है और ये सारा सामान जो सामग्री आपको हम बताने जा रहे हैं ये सामग्री ला करके और बहते पानी में आप इसको विसर्जन करें। जैसे इस उपाय को आप संपूर्ण करेंगे, इस उपाय के करने के बाद आपको शारीरिक लाभ भी मिलेगा। जो जो आपको अपने जीवन में कमियां नजर आ रही हैं उसमें आपको जरूर फायदा नजर आएगा। इस सामग्री को आप लिख लीजिए, नीला कपड़ा 1.25 मीटर, काले तिल 125 ग्राम, काला उड़द 125 ग्राम, लोहे का तिल 5, लौंग 7 पीस, कांच का टुकड़ा 1 पीस, रंग का टुकड़ा 1 पीस, नारियल 1 पानी वाला, नाग नागिन का जोड़ा इसमें आपने लोहे का बनवाना है, लोहे का नाग नागिन बनवा करके आपने इसमें डालना है और ये सभी सामग्री को आपने इस कपड़े में बांधकर और बहते पानी के पास जाना है शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को आपने ये सब सामान लेके जाना है, राइट वाले हाथ में लेके अपने ऊपर से 7 बार वारना है और 7 बार वारने के बाद आपने पीछे को फेंकना है, पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना है। इस चौथे कालसर्प योग के लिए आपने 9 शनिवार लगातार करना है। इस 9 शनिवार जब आप करेंगे यह उपाय आपको अवश्य लाभ मिलेगा, कारोबारिक लाभ भी मिलेगा, पारिवारिक सुख भी मिलेगा और मानसिक शांति भी मिलेगी। इस उपाय को अवश्य करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी दिखाएं। सबको लाभ मिलेगा। जय श्री